ओके, तो स्टार्ट करते हैं विथ कॉलिगेटिव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑलमोस्ट लेक्चर्स हो गया हमारा, थ्योरी का ये लास्ट लेक्चर रहेगा ये चैप्टर का, इसके बाद हमको सिर्फ न्यूमेरिकल करना है बस, बराबर। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है देखो, ये जो पूरा कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट बेस्ड है इलेक्ट्रोलाइट पे, बराबर। इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोलाइट माने बना, हाँ। तो इसके पहले भी हमने बहुत सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया ना, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है हमने, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लास्ट ओस्मोटिक प्रेशर, बराबर। ये सब चीज़ पढ़ा, वो जो भी पढ़ा ना वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का था, किसका था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बराबर। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो किसका रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट। सेम वैसे ही आता है, सेम वही देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओस्मोटिक प्रेशर, वही है। लेकिन अब कौन से सोल्यूशन के लिए है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, पहले कौन सा पढ़ा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आज का जो भी लेक्चर है वो उस पर बेस्ड रहेगा, किस पे, इलेक्ट्रोलाइट, हाँ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया हम लोग ने, जो भी पढ़ा था वो कौन सा था, नॉन। अब जो पढ़ रहे वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कॉलिगेटिव बिहेवियर कैसा था, स्टार्ट उससे कर। देखो जैसा बिहेव नॉन इलेक्ट्रोलाइट करता है एग्जैक्ट वैसा बिहेव यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये कि पढ़ो जरा पॉइंट, पढ़ो मालूम पड़ेगा तुम, पढ़ो पॉइंट क्या है, द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो एग्जिबिट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी क्या दिखाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाता है, आगे बढ़ो, विच डू नॉट ओबे द रिलेशन ऑफ नॉन, जैसा नॉन इलेक्ट्रोलाइट था वैसा यहाँ पे नहीं होने वाला है, उसका जैसा रिलेशन था ना, याद हो तो डेल्टा पी का फॉर्मूला था, सेम वैसा फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अलग फॉर्मूला आएगा, समझो पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी क्या ओबे करता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी क्या दिखाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जैसा नहीं रहेगा, जैसा उसमें था सेम वैसा यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ अलग आएगा, वो क्या क्या लगाएगा सब देखेंगे आगे, समझो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, याद रहेगा ना, द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो एग्जिबिट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये अलग है, विच डू नॉट ओबे रिलेशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसा नहीं है, बराबर, जैसा वहाँ पे रिलेशन था सेम वैसा नहीं, यहाँ पे अलग रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, तो होता क्या, अच्छा मैं देखो, इलेक्ट्रोलाइट है तुम मालूम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट, मतलब नंबर्स पे ना। एक बात बताओ, सुक्रोज सोल्यूशन, उसको डिजोल्व कर दिया वाटर में, डिजोल्व समझो ऐसा पानी में डाल दिया, डिसोसिएट होता है क्या सुक्रोज, हाँ। नहीं, बराबर, क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, पानी में कौन डिजोल्व होएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है, NaCl डालो, हाँ शुगर है ठीक है, लेकिन वो कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला कंसेप्ट है ना, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है, जो सुक्रोज है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आता है, बराबर। वाटर में कौन डिजोल्व होता है, जो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो डिजोल्व होएगा, या तो जो जो आयनिक कंपाउंड रहेगा, बराबर ऐसा, तो आयनिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट, बराबर। तो इलेक्ट्रोलाइट को जब NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, बराबर ना, NaCl को वाटर में डाल दिया तो क्या बनता है, Na+ और Cl- आयन। तो नंबर्स बढ़ गया कि कम हो गया, NaCl डाला तो बढ़ गया ना, पार्टिकल बढ़ गया, Na अलग हो गया, Cl अलग ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा कि कम हुआ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा आएगी कम आएगा, ज़्यादा आए, ग्रेटर आएगा ना, किसका ग्रेटर आएगा, इलेक्ट्रोलाइट ना, इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही हमने वाटर में डाला बढ़ गया ना उसका अमाउंट। अरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कौन सा प्रॉपर्टी, जो अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो जैसे ही NaCl डाला दो दो आयंस हो गए, अभी पहले एक ही था ना, पहले एक NaCl था, फिर डाल दिया डिसोसिएट होके Na+ और Cl- आयन हो गया, मतलब ज़्यादा अमाउंट हो रहा है ना, ज़्यादा अमाउंट, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ जो भी रहेगा, नंबर ज़्यादा आ रहा है, अभी पहले एक ही था NaCl, अब Na+ Cl- दो हो गया ना, तो जितना ज़्यादा नंबर्स आएगा उतना ज़्यादा रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो अभी पढ़ रहे कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट पहले पढ़ दिया है, अभी जो पढ़े ना इलेक्ट्रोलाइट, इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलता है तुमको, राइट। पढ़ो पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट पढ़ो, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, पढ़ो, आर ग्रेटर दैन, ज़्यादा रहेगा ना, आर ग्रेटर दैन दोस ऑफ दोज टू बी एक्सपेक्टेड फॉर द सोल्यूशन ऑफ नॉन, जैसा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जितना तुमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलता था उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, रीज़न तुमको बता दिया ना मैंने, रीज़न क्या है। चलो थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट देखो, मतलब पॉइंट मैं फर्स्ट, अपना फर्स्ट क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है, कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉलिगेटिव बिहेवियर है वो अलग है कि सेम है, जो भी है वैसे तो देखा हमने अलग है ना, तो दो मेन अलग अलग चीज़ है। पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पे याद है क्या बताया था, कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी क्या दिखाता है, कॉलिगेटिव बिहेवियर दिखाता है, पहला पॉइंट था, और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जैसा रिलेशन था उससे एकदम ही अलग आने वाला है। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या देखा यहाँ पे, कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा रहता है कम रहता है, ज़्यादा रहता है, ग्रेटर रहता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बराबर।
थर्ड पॉइंट में ये देखो, जो मोलार मास रहता है ना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, वो कम मिलता है हमको, कितना मिलता है देखो, तुमको याद रहेगा अगर तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला बनाया था, ये आय को मत देखो, दिख रहा है फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला पढ़ाया ना मैं, इसका डेरिवेशन भी किया है, W2 by W1 M1 by M2, ये डेरिवेशन किया है, किसका फॉर्मूला था, ये आय हटा दो, आय को मत देखो, आय बाद में आएगा, डेल्टा पी का आंसर ये देता है ना, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, हाँ, तो मैं वही बोल रहा है, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलार मास निकालते हैं यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पॉइंट समझा मैं क्या कर रहा है, मैं क्या निकालने वाला बताओ थर्ड वाले पॉइंट में, मोलार मास किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, क्या यूज करके निकाल रहा हूँ बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना ये सब, मालूम है ना तुमको, पढ़ाया ऑलरेडी बराबर, तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलार मास निकालते हैं तो हमको जो मिलता है मोलार मास वो उसके एक्चुअल फॉर्मूला मास से कम रहता है, कैसा रहता है, सिर्फ दो ही पॉइंट तुमको याद रखने लगा, बाकी तो सिंपल ही है, तीन ही तो पॉइंट ही है क्वेश्चन में, एक बार रिकैप मार देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट तुमको याद है, द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो एग्जिबिट्स द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है ना, विच डू नॉट ओबे द रिलेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोल, उसका रिलेशन को ओबे नहीं करता है। फिर सेकेंड पॉइंट में हमने एक पॉइंट नोट किया कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का क्या ज्यादा रहता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर रहता है ना एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। थर्ड पॉइंट बहुत ईजी है, जो मोलार मास तुम लोग निकालोगे किसका, सोल्यूट का, यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो तुमको कम मिलेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास से उसका क्या मिलेगा, कम, पढ़ो पॉइंट, वही पॉइंट है जो मैंने बताया, पढ़ो, द मोलार मास बता रहा हूँ, द मोलार मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा, इलेक्ट्रोलाइट को पहले NaCl थोड़ी एक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, उसको डालेंगे ना एक्वस पानी में तो जाके बनेगा ना NaCl सोल्यूशन। मोलार मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस, एक्वस मतलब एक्वस सोल्यूशन डिटरमाइंड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर फाउंड टू बी कंसिडरेबली लोअर, कम रहता है ना एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास मतलब एम टू जो भी रहेगा, एम टू में मोलार मास निकालते ना, सम ऑफ एटोमिक मासेस वो, लेकिन जो मोलार मास हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मिलता है वो तुम्हारे एक्चुअल फॉर्मूला मास से अलग रहता है, अलग मतलब कम रहता है। अरे ये फॉर्मूला मास अगर तुम लोग एम टू याद है अलग, अलग अलग से निकालते ना, मालूम है ना, अगर मैं H2O का बोलूँ तो क्या करेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मास ना 18 आता है, 18 ग्राम पर मोल, तो वैसा नहीं मिलता है हमको, कुछ उससे कम मिलेगा, बराबर वो कम मिलेगा, वो किसके लिए सिर्फ होता है, इलेक्ट्रोलाइट। अरे दो ही तो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने यहाँ पे ये देखा सबसे मेन पॉइंट, क्या वो तो देखा ना हमने, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में प्रॉपर आता है बराबर से, वहाँ पे देखा ना हमने ऑलरेडी पहले M2, अरे इसके पहले जो पढ़ा है वो सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही था, इसके पहले जो भी किया ना हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये उसमें जो भी लिया था हमने जो भी सॉल्यूशन वो क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बराबर पढ़ा ना हमने, ये आया था क्या बोलते हैं यूरिया आया था, सुक्रोस आया था, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आता है बराबर। तो हाँ, दो मेन की पॉइंट तुमको यहाँ पे याद रखने लायक है, पहला क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, बोलो तो कुछ बोल ही नहीं रहे आज तुम लोग, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का क्या ज़्यादा रहता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, क्या क्या ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, अरे बोलो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा रहता है, क्या ज़्यादा रहता है, कॉलिगेट किसका, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा रहता है किससे कंपैरिजन में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही तुम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे वो डिसोसिएट होकर उसका नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है ना, और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, जितना पार्टिकल बढ़ा हो उतना क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, सिंपल। सेकंड पॉइंट क्या मालूम पड़ा तुमको, जो मोलार मास निकालते हो ना, मोलार मास किससे निकालते हैं, क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो ज़्यादा रहता है कम रहता है, कम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉर्मूला मास, उससे कम रहता है, यही दो पॉइंट याद रखने का, समझो दो अलग चीज़ क्या दिखाता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, दो समझा ना, दो अलग अलग चीज़ क्या है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्रेटर दैन दैट, ये मतलब जो पढ़ा ना हमने यहाँ पे, अरे सेकंड पॉइंट यही तुम्हारा नया क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है, वो तुमको पहले बता दिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर ग्रेटर दैन दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉल, याद रखा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ, लेकिन कभी मालूम है, सिर्फ कभी जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा तो, समझा, अगर पहला वाला भी 0.1 मोलर या फिर 1 मोलर सॉल्यूशन है और दूसरा वाला भी 1 मोलर सॉल्यूशन तो ही ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होने वाला है, समझा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, किससे ज़्यादा, कब रहेगा ऐसा बताओ, सिर्फ कब होता है, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम तो ही ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ मैं तुमको, राइट, पढ़ो, चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट, NaCl को डाला दो पार्ट में टूट गया, Na+ और Cl-, बराबर कोई और चीज़ डाल दो जो तीन पार्ट में भी टूट सकता है, बहुत सारा हो सकता है ना, तो
तो दो या फिर दो से ज्यादा पार्ट में टूट सकता है, डिसोसिएट हो सकता है, राइट। पढ़ो पॉइंट पढ़ो, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स इनटू टू और मोर आयंस व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर, वेयर एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट, बराबर ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डाल दो एक्वा सॉल्यूशन में, वो डिसोसिएट होएगा ही नहीं, बराबर ना। वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर में हर एक चीज थोड़ी डिसॉल्व होता है, बराबर। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसॉल्व हुआ ही नहीं तो क्या इसका नंबर ऑफ अमाउंट बड़ा, क्या मतलब जो भी नंबर से बड़ा नहीं ना, वो एज इट इज वैसे का वैसा ही है, बराबर ना। नंबर ऑफ ये, अच्छा किसका अमाउंट बढ़ना चाहिए बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने के लिए, सोल्यूट का कि सॉल्वेंट का? सोल्यूट, सोल्यूट ना। अरे सोचो ना, वाटर दिया ना, वाटर, वाटर में NaCl डाला, वाटर में NaCl डाला, Na प्लस बना, Cl माइनस बना, किसका क्वांटिटी बढ़ा? पानी, वाटर बढ़ा क्या? वाटर उतना ही है, सॉल्वेंट उतना ही है, कौन बढ़ा? सोल्यूट, समझना। इसके लिए तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट आता है ना हमेशा, M2 आता है, बराबर। तो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऐसा है, हम लोग मालूम है क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजन कि क्यों ऐसा होता है, क्यों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रहता है और क्यों नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम रहता है, जबकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम सेम है। तो पहला रीजन तो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट हो सकता है पानी में, वाटर में, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हो सकता है। आगे पढ़ते हैं और एक रीजन है, पढ़ो क्या क्या, कुछ भी ले लो, कोई भी ले लो, बराबर। तो उसके लिए उसके हिसाब से तुमको वो भी सोल्यूट भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, जो उसमें डिसोसिएट ना हो ना, ऐसा सोचो ना। सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करता है ना, सॉल्वेंट पे भी तो डिपेंड करेगा कि कौन इलेक्ट्रोलाइट है, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बराबर ना। वैसे इलेक्ट्रोलाइट तो हमेशा वाटर में डिसॉल्व होएगा ना, बराबर ना। और नॉट, हम लोग वाटर लेके चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और क्या। चलो पढ़ो सेकंड पॉइंट, पढ़ो क्या है वन फॉर्मूला यूनिट का मतलब मालूम है क्या है? वन फॉर्मूला यूनिट, अरे एक मॉलिक्यूल, बराबर, वो एक यूनिट हो जाएगा। पढ़ो, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व प्रोड्यूसेस टू और मोर आयन, ये हमको मालूम है ना। NaCl एक यूनिट फॉर्मूला यूनिट, जब इसको पानी में डाल देंगे तो क्या बनेगा वो, Na प्लस, दो यूनिट बन गया ना, समझा। कोई और सॉल्ट डालो, तीन यूनिट बनेगा, ऐसा भी है, बहुत सारा सॉल्ट हो सकता है। आगे बढ़ो, कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, ये बता चुका है ना मैंने तुमको, अरे मैं बता दिया, जस्ट पढ़ के सुना रहा, मैंने ऑलरेडी तुमको रीजन बता दिया है। रीजन सिर्फ यही है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होने का, एक ही रीजन है, रीजन यही है कि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है, यही रीजन है, बस वही घुमा फिरा के वही रहेगा। समझा फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट में खाली ये बताया कि इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या होता है, वो डिसॉल्व होता है, और ये जो तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोल वो डिसॉल्व नहीं होता है क्योंकि खुद नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सेकंड पॉइंट क्या देखा, एक फॉर्मूला यूनिट जो है यूज करेंगे तो दो या फिर दो से ज्यादा मिलेगा, कौन से वाले केस में, इलेक्ट्रोलाइट, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो ऐसा होता ही नहीं ना, बराबर। थर्ड पॉइंट पढ़ो, द क्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ग्रेटर, मालूम पड़ गया ना, इससे मालूम पड़ता है कि ज्यादा रहेगा, राइट, समझा ना, ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो हमको मालूम है, राइट। इसके नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया यहां पे, एक एग्जांपल सोचो, एक मैंने NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है और एक सुक्रोज सॉल्यूशन लिया है, सुक्रोज पहले बता दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट और NaCl इलेक्ट्रोलाइट। अब खुद सोचो, ये पढ़ो मत, पहले सोचो, NaCl है डीप, जिसको उसको डाल दिया हमने सॉल्वेंट में, वाटर में डाल दिया, बोलो क्या बनेगा, Na प्लस Cl माइनस, बराबर। फॉर्मूला यूनिट तो NaCl था एक ही, एक फॉर्मूला यूनिट NaCl, दूसरा फॉर्मूला यूनिट सुक्रोज का, एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल, सुक्रोज को वाटर में डाला कुछ नहीं हुआ, NaCl को वाटर में डाला, एक फॉर्मूला यूनिट दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, बराबर है। तो बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका ज्यादा, NaCl का। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि NaCl का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सुक्रोज की कंपैरिजन में डायरेक्ट डबल रहेगा? दो हो गया ना, दो ना, अरे NaCl एक फॉर्मूला यूनिट था, दो आ गया ना पार्टिकल्स, पहले एक ही पार्टिकल सुक्रोज, सुक्रोज में एक ही पार्टिकल था, और यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा क्लियर वो मैथमेटिकल लेवल प्रूफ नहीं बताया अभी तक है। चलो पढ़ो पॉइंट, आप समझा क्या बताया मैंने, NaCl का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, NaCl जो सॉल्यूशन रहेगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा और सुक्रोज सॉल्यूशन का कम। ऐसा इमेजिन हम लोग कर सकते हैं कि अगर मैं 0.1 मोलार लूँ दोनों का, 0.1 मोलार लूँ, बराबर, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पूरा थियोरेटिकल प्रूफ, जब वो आंसर पे डिपेंड करता है ना कितना आएगा, बराबर, वो बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करता है, आगे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह तब उधर मालूम पड़ेगा। तो अभी तक मैंने इतना बताया, NaCl को वाटर में डाला, सुक्रोज को वाटर में डाला, NaCl किस में डिसोसिएट हो गया, Na प्लस Cl माइनस, दो पार्टिकल आ गया, बराबर। NaCl सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा, सुक्रोज सॉल्यूशन का कम, रीजन तुमको सिंपल मालूम है, पार्टिकल ज़्यादा है यहाँ पे, जिधर ज़्यादा पार्टिकल उसका ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बराबर। ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 0.1 मोलार अगर मैं NaCl सॉल्यूशन लूँ और 0.1 मोलार सुक्रोज सॉल्यूशन लूँ, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि NaCl सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा वो ऑलमोस्ट डबल रहेगा। एग्जैक्टली नहीं बता रहे, बोल रहे जस्ट एक्सपेक्ट किया है। पढ़ो पॉइंट, समझेगा, पढ़ो पढ़ो,
फॉर एग्जाम्पल वेन एन ए सी एल इज डिजोल्व इन वॉटर इट प्रोड्यूसेस एन ए प्लस एन सी एल माइनस आयन वेर एज सुक्रोज डज नॉट डिसोसिएट हमको मालूम है सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना वो कैसे डिसोसिएट होगा आगे बढ़ो इट इज एक्सपेक्टेड क्लियर वर्ड लिखा देखो इट इज एक्सपेक्टेड प्रूफ नहीं बराबर मैथमेटिकल प्रूफ नहीं बताया हुआ है इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0.1 मोलार NaCl सॉल्यूशन इज ट्वाइस दैट ऑफ 0.1 मोलार सुक्रोज सॉल्यूशन इजी है ना ये थोड़ी याद करने वाला टॉपिक थोड़ी है तो समझो एक बार समझ जाएगा याद रहे तुमको क्या है फर्स्ट पॉइंट हमने ये बताया कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है दो या फिर दो से ज्यादा आयंस में नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं डिसोसिएट होता है बराबर फिर सेकंड पॉइंट में देखा एक फॉर्मूला यूनिट दो या फिर दो से ज्यादा आयंस बना सकता है लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनाता है बराबर फिर थर्ड पॉइंट में देखा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दे रहा है इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कम है एक एग्जांपल लिया NaCl सॉल्यूशन और सुक्रोज NaCl डिसोसिएट हुआ सुक्रोज नहीं हुआ बराबर तो 0.1 मोलार NaCl सॉल्यूशन और 0.1 मोलार सुक्रोज सॉल्यूशन में ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका रहेगा NaCl और ऑलमोस्ट ट्वाइस रहेगा ना डबल समझा सिंपल आगे आते हैं वेंट ऑफ फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से चालू होता है देखो वेंट ऑफ साइंटिस्ट का नाम है बराबर क्या किसमें किसका हाँ तो वो तो मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन रहेगा किसका अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट का अलग लूँ नहीं क्वेश्चन ही वैसा है ना हमारा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ किसका ज़्यादा रहता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नॉन इलेक्ट्रोलाइट से सिर्फ तब ज़्यादा है जब क्या रहेगा दोनों कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर तुमको मालूम पड़ेगा समझा अलग अलग के लिए बात नहीं है ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये जो पॉइंट है वो करेक्ट नहीं है क्लियर लिखा हुआ है फॉर सेम कॉन्सेंट्रेशन उसके लिए ही वैलिड है सिर्फ सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं तो नहीं होने वाला है सिंपल लॉजिक है समझा ये कंसेप्ट क्या है इजी था चलो अब पढ़ते हैं वेंट ऑफ फैक्टर वेंट ऑफ साइंटिस्ट का नाम है वेंट ऑफ ने क्या किया देखा कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एकदम ही अलग आ रहा है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का एकदम अलग आ रहा है ना इधर ज्यादा इधर बढ़ जाता है और वहां पे कम रहता है तो उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको खुद का नाम दे दिया वेंट ऑफ फैक्टर डिनोट करते हैं आई से ये आई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आई नहीं है ये वेंट ऑफ फैक्टर का सिंबल है स्मॉल आई समझा क्या है वेंट ऑफ फैक्टर क्या किया समझा क्या काम किया जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिलेट कर दिया किससे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पॉइंट पहले समझो काम क्या हुआ वेंट ऑफ ने काम क्या किया क्या काम किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिलेट कर दिया किसका नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिलेट कर दिया कौन से फैक्टर्स हैं वेंट ऑफ फैक्टर डिनोट किससे करते हैं स्मॉल आई सिंपल पढ़ो पहले फर्स्ट पॉइंट वही है पढ़ो टू ऑब्टेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए था पहले से हमारे पास किसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नॉन इलेक्ट्रोल पढ़ लिया ना अब किसका चाहिए तो कुछ तो रिलेट करके ही निकाल सकते हैं उससे पढ़ो आगे बाय यूजिंग द रिलेशन फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट वेंट ऑफ सजेस्टेड फैक्टर आए खुद का एक फैक्टर लिया क्या आए पॉइंट समझा क्या है अरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तुमको जस्ट किसका चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का चाहिए तो रिलेट करके ही निकाल सकते हैं ना किससे रिलेट करेंगे जो तुम्हारे पास है उससे रिलेट करेंगे ना तुम्हारे पास क्या था पहले से नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का ऑलरेडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे रिलेट किया और एक नया फैक्टर बना दिया आए बताता हूं ना उसका फॉर्मूला वगैरह क्या है देखते हैं देखो यहां पे आए का फॉर्मूला लिखा हुआ है बरा समझा काम क्या हुआ है क्या काम किया समझा क्या रिलेट किया वेंट ऑफ रिलेटेड क्या रिलेट किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विद द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन राइट एंड इंट्रोड्यूस द फैक्टर आई कॉल्ड एज वेंट ऑफ फैक्टर सिंपल क्या है पहले वो सुनते हैं डिफाइन पढ़ने से पहले यहां जरा फॉर्मूले पर ध्यान दो आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा सॉल्यूशन जो हमको चाहिए अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ हमको मालूम है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का ज्यादा रहेगा ऐसा कम रहेगा लेकिन कब सेम कॉम वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझा हम लोग सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला ही काम कर रहे हैं अलग अलग वो तुमको हायर स्टडीज में आएगा समझा पॉइंट क्या है यहाँ पे अरे इजीली डिफाइन है क्या बोलते बताओ वेंट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन वही तो है पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने समझा रहेगा ना बोलो जरा बोल के दिखाओ वेंट ऑफ फैक्टर आई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेप्ट यही पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है समझा चलो अभी फॉर्मूला देख रहे इजी है मैंने ऑलरेडी इसके लिए पहले लिख दिया इजी टॉपिक है समझा आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है थियरी है कुछ ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी सब समझ गए ये लास्ट थियरी लेक्चर है समझा खत्म चैप्टर हाँ आई मतलब
वेंट ऑफ फैक्टर। मैं अलग अलग केस लेके सॉल्व करता हूँ। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना, वो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाता हूँ। देखो डेल्टा टीएफ का मतलब बताओ, पूरा नाम बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टू द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, नहीं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अच्छा मैंने ऊपर खाली सॉल्यूशन बोला ना, हाँ ऊपर जो भी है वो कौन से सॉल्यूशन का है, इलेक्ट्रोलाइट, और नीचे जो है वो किसका है, बस यही चीज है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर है, इसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आगे ये बताओ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। आगे ओस्मोटिक प्रेशर कल पढ़ाया ना, ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ, समझाना पॉइंट सुनो, जो भी पैरामीटर जो भी क्वांटिटी के पास सबस्क्रिप्ट नहीं है, ऊपर नहीं है ना, जो भी क्वांटिटी के पास सबस्क्रिप्ट नहीं है वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना। हाँ। तुम लोग तो बताया ना अभी, जो भी क्वांटिटी के पास सब्सक्रिप्ट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, समझा ना। हाँ। नहीं समझा, यही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो जरा, वेर वाला पॉइंट पढ़ो, वेर क्वांटिटी विदाउट सब्सक्रिप्ट रेफर्स टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड द क्वांटिटी विद सब्सक्रिप्ट रेफर्स टू, बरा सिंपल है ना, समझ गया। ये थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है, बरा ये थोड़ा बहुत याद रखने वाला पॉइंट है। यहाँ पे देखो सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर ऐसा ही डिफाइन नहीं कर सकते, और भी बहुत सारा फॉर्मूला है जो तुमको हायर लेवल में आएगा जब हायर स्टडीज पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, तो बराबर अभी के लिए तो जस्ट दिया हुआ है, राइट। पढ़ो पॉइंट क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर कैन बी डिफाइंड इन अल्टरनेट मैनर, और भी तरीके से डिस्टर्बेंस डिफाइन कर सकते हैं। देखो तीन यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, एक्चुअल मोल ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, इसका यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ डेरिवेशन में, तो ये फॉर्मूला तो याद रखो कैसे भी करके, फॉर्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं काम है तुमको। बोला इसका डेरिवेशन वगैरह हमारे पास अभी नहीं है, वो हायर स्टडीज में आएगा। पढ़ो क्या दिया, एक पहला फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू एक्चुअल मोल ऑफ पार्टिकल इन सोल्यूशन आफ्टर, सुनो आफ्टर डिसोसिएशन मतलब ही इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वो, क्योंकि डिसोसिएट कौन होता है, आफ्टर डिसोसिएशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। अपन पढ़ो मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसोसिएटेड इन सोल्यूशन, बराबर मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट मालूम है तुमको, फॉर्मूला यूनिट NaCl एक फॉर्मूला यूनिट, बराबर उसका नंबर ऑफ मोल्स, बराबर डिसोसिएटेड इन द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन डिसोसिएट हो गया है। आगे नेक्स्ट पढ़ो, ये भी मतलब ये भी वही है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ही है। हाँ बोला ना वहाँ पे अल्टरनेट मैनर। सेकंड पढ़ो क्या है, फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, बराबर 11th में ऑलरेडी पढ़ा भी है। आगे पढ़ो अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, समझा, अरे ये चीज आ चुका है पहले यहाँ पे, इधर भूल गए, आया था ना मोलर मास, ये मोलर मास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालेंगे वो कम मिलता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉर्मूला मास, बराबर ना। हाँ तो न्यूमरेटर में क्या लेंगे हम लोग, फॉर्मूला मास, और नीचे क्या लेंगे, मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास मतलब ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो मोलर मास निकाला उसको ही बोलते हैं, समझा। एक लास्ट मोलर मास थियोरेटिकल, बराबर, और मोलर मास ऑब्जर्व, दोनों दोनों को डिवाइड करो क्या मिल जाएगा तुमको, वेंट ऑफ फैक्टर। तो दो तीन तरीका यहाँ पे है, इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग, समझा, इजी इजी है। चलो एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, देखो अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लूँ ना, नॉन, एक बात ज़रा इधर देखो, इधर इधर ही प्रूफ करके निकाल तुमको, डेल्टा पी को क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला ये रहता है इतना, आई को छोड़ के आई नहीं रहता ना, अभी तक पढ़ाया ना, अरे डेरिवेशन करा दिया तुमको, वहाँ पे आया था क्या, नहीं, अगर मतलब मैं आई का वैल्यू वन ले लूँ ये फॉर्मूले में अगर मैंने आई का वैल्यू वन ले लिया तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला ये बनेगा, मतलब ये कौन से सोल्यूशन के लिए बताओ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, समझा। अगर मैं यहाँ पे आई का वैल्यू वन लूँ तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये किसके लिए बनेगा बताओ, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, वन, समझा। ये भी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो पढ़ो, आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू वन फॉर, हाँ आगे इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग रहता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग रहेगा। पढ़ो किसके लिए, KNO3 और NaCl, इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 2 होता है, बराबर बता दिया इलेक्ट्रोलाइट कुछ कुछ, बराबर। आगे पढ़ो, 3 वैल्यू किसके लिए होता है, Na2SO4 CaCl2, ऐसा आगे बहुत सारा और भी अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग रहता है, बराबर समझा। ये करके आएगा ना, ऐसा थोड़ी, वो तो जस्ट बता दिया थ्योरी में, एक एग्जांपल दे दिया और कुछ नहीं, समझा। वो तो निकालेंगे ना हम, वेंट ऑफ फैक्टर आए निकालते हैं बाद में ऐसा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, समझा क्या क्या बताया। एक चीज़ याद रखने लायक है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1, और कुछ एग्जांपल है KNO3 NaCl, NaCl तो फेमस एग्जांपल है, 2 रहेगा,
बराबर, आई का वैल्यू 2 रहेगा, और Na2SO4 और CaCl2 के लिए 3, ऐसा 4 वगैरह भी होता है, बराबर, ठीक है। Thus the colligative property of electrolytes are, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो 1 था, लेकिन इधर से देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन अगर मुझे निकालना है इस फॉर्मुले से, तो मुझे ये वाले पार्ट को इधर भेजना पड़ेगा ना ऐसा, बराबर ना, तो ये वाला प्रॉपर, ये वाला पॉइंट इससे आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, अरे मैथ से ये, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा आई टाइम्स ये वाला पार्ट ना, आई, आई का वैल्यू जो है, आई का वैल्यू क्या क्या बताओ, आई का वैल्यू ट्वाइस हो रहा, ट्वाइस ना, अरे टू लिया ना, देखो ना वैल्यू एक बार, ट्वाइस आ सकता है, आई का वैल्यू 3 भी आ सकता है ना, समझा नहीं क्या बोला पॉइंट, पॉइंट जरा सुना, इतना इजी नहीं, देखो अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट लू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू कंफर्म 1 है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे। मेरा पॉइंट थोड़ा अलग है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन निकालना है, तो ये आई टाइम सी वाला पार्ट रहेगा, और आई का वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, इसका मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ट्वाइस और थ्राइस और कितना भी हो सकता है, समझा ना, दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट से डबल हो सकता है, ट्रिपल, एक एग्जांपल इधर भी किया ना मैंने डबल वाला, NaCl डबल था ना डायरेक्ट, एक्सपेक्टेड ट्वाइस, याद है पॉइंट बताया था यहाँ पे, हाँ तो वही ये पॉइंट पढ़ो जरा, कहाँ तक किया था हमने, हाँ 10 वाला से पढ़ो, 10 पॉइंट से, दस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ट्वाइस, डबल हो सकता है, थ्राइस दैट ऑफ, अरे ये वाला पार्ट यहाँ पे जा रहा है, तो ये क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से या तो 2 मल्टीप्लाई होएगा, या तो 3 या तो 4, मतलब 2 के आगे मल्टीप्लाई होएगा ना, ट्वाइस थ्राइस कुछ भी हो सकता है आगे जाके, समझा पॉइंट क्या है, बोलो समझा रहेगा, तो ये क्या पढ़ दिया हम लोगों ने पूरा यहाँ पे, वेंट ऑफ, समझा क्या है, इजी है, वेंट ऑफ फैक्टर एक रिलेशन निकल, रिलेशन बताता है किसके बीच में रिलेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बस सिंपल सा, और फॉर्मुला तुम्हारे सामने, इजी फॉर्मुला, बराबर समझा है ना क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन, ये तो बता दिया मैंने तुमको, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसा नहीं है कि हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेरिवेशन किया तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग से सब डेरिवेशन, इतना बड़ा नहीं करना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया, सिर्फ बोला है कि अगर तुमको नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मालूम है, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, जो भी फॉर्मूला रहता है उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो बस, समझा, जो भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, अगर तुमको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर आई, समझा, याद करो डेल्टा पी का फॉर्मूला था P1 not X2, किया हमने ये ना लोअरिंग वेपर प्रेशर पहला लेक्चर, तो इसको अगर मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ये भी किया ना, इस पर तो बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, इंटू आई मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, सिंपल, डेल्टा टी भी याद है क्या बोलते हैं उसको, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, फॉर्मूला याद है, इज इक्वल टू इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट KB इंटू मोलालिटी, मालूम है ना बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था ना, तो इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का हो गया, याद है ये भी 1000, इस पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया हम लोग ने, बरा इसको भी आई से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चीज तब समझेगा जब पहले का लेक्चर तुमको आता रहेगा तो, या फिर पहले का लेक्चर देखा रहेगा तो। डेल्टा टी एफ क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है KF into M ना, KF into M, लेकिन जब इसको मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके लिए बन गया वो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये भी किया हुआ इस पे भी है, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना बाकी है, कल के लेक्चर में किया था ऑस्मोटिक प्रेशर, याद है एम आया था मोलारिटी ना, स्मॉल एम तो मोलारिटी होता है ना, मोलारिटी आर टी और इंटू आई, आई कर दिया मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया, सेम ये वाला भी तो एकदम एंड में डिराइव किया था ना यहाँ पे, कल तो किया था, तो सिंपल है, मतलब कैसे मॉडिफाई करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई कर दो, वेंट ऑफ फैक्टर, बस खत्म, समझा, सिंपल। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बराबर, क्या पढ़ते हैं हम लोग भी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो बहुत ईजी है, इतना अभी हार्ड नहीं है, हाँ तो अभी तक जो भी हम लोग अभी तक वैसे हम लोग क्या पढ़ रहे बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट ना, अभी तक जितना भी बात हम लोगों ने यहाँ तक किया है ना, यहाँ तक जितना भी बात किया है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप का होता है, मालूम है, एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, मालूम है ना, स्ट्रांग मतलब जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए वाटर के अंदर, और वीक मतलब जो पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो पाए, सिंपल ना, हाँ। अभी तक जो भी मैंने बात बताया ना यहाँ से लेके यहाँ तक, वो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर था, वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रांग, वीक नहीं है, समझा मैंने क्या बताया अभी तक, जो भी अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जितना भी क्वेश्चन कर दिया, वो सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रांग, क्योंकि मालूम है, सोचो ना, NaCl यूज किया और NaCl डिसोसिएट पूरी तरह से हुआ ही नहीं, तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, नहीं ना,
जब पूरी तरह से डिसो तो बोल सकते ना कि बढ़ेगा भाई कन्फर्म ना, डिसोसिएट ही नहीं हुआ तो डिसो मतलब ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट से जो डिसोसिएट जल्दी नहीं होते उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, बराबर ना, सिंपल ना। हाँ तो जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया वो किसके बेसिस पे था बताओ, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वही तो डिसोसिएट होता है पूरी तरह से, बराबर ना। फुल्ली डिसोसिएट कौन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट फुल्ली डिसोसिएट नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि फुल्ली डिसोसिएट नहीं होता है इसीलिए मुझे लेना पड़ता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, समझा। वो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लोग पढ़ने जा रहे हैं ना वो किसके लिए है बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो डिसोसिएट होता ही नहीं है, समझा, पूरी तरह से नहीं होएगा, फुल्ली नहीं होएगा। फुल्ली डिसोसिएट कौन होता है, हाँ, तो उसके याद रखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग के लिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो डिसोसिएट हो जाता है, समझा। पढ़ो पॉइंट, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, पढ़ो, बता दिया तुमको पूरा ए टू जेड। द डिस्कशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ा है अभी तक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, एक फैक्ट है, क्या फैक्ट पढ़ो, दैट द इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएट इन द सोल्यूशन। कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ना, कंप्लीटली ना, फुली डिसोसिएट। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो किस पे बेस पे था बताओ, जो भी पढ़ा अभी वो ये फैक्ट पे था कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट तुम लोग यूज कर रहे हो वो फुल्ली डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीटली मतलब वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग। वीक पढ़ाया नहीं अभी तक, वीक कभी पढ़ने जा रहे, पढ़ो। वीक के लिए मालूम है क्या है, वीक मालूम है। अच्छा एक बात बताओ, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, जो भी ये जो फैक्ट बताया मैंने तुमको, हमारा फैक्ट क्या है, ये थियरी सब कब काम कर सकता है, जब तुम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा यूज करो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो, राइट ना। तो ये जो भी फैक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली ट्रू है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है ना, बराबर। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या, नहीं। पढ़ो सेकंड पॉइंट, पढ़ो। ये जो फैक्ट बताया ना, फैक्ट याद है क्या बताया, डिसोसिएट होना चाहिए तो ही लग सकता है इवेंट ऑफ फैक्टर, समझा। हाँ पढ़ो, दिस इज द अप्रॉक्सीमेटली ट्रू, ये ट्रू है लेकिन किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए ट्रू नहीं है। फॉर द सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएटेड टू द स्मॉल एक्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी डिसोसिएट होएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है वो, इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे तो डिसोसिएट, लेकिन उतना होएगा क्या जितना स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं, स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट होता है, समझा। न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत सारा एग्जांपल आएगा वहां पे ऐसा, समझा पॉइंट क्या। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि अभी तक जो भी डिस्कशन किया है वो एक फैक्ट पे किया है, वो फैक्ट क्या था कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है। तो ये जो भी फैक्ट है ये सिर्फ किसके लिए ट्रू है, स्ट्रॉन्ग के लिए, और वीक वाला तो स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट होता है। तो वीक वाले के लिए हमको एक नया पैरामीटर पढ़ना पड़ेगा, क्या है वो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोटेड बाय अल्फा, बराबर। अल्फा से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं बता देता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन्वॉल्व्स कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दैट चेंजेस द वेंट ऑफ फैक्टर, बराबर। क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर कब लगेगा, स्ट्रॉन्ग के लिए ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लगेगा, वीक के लिए लगेगा क्या, नहीं ना। तो वीक के लिए हमारा जो ये जो है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेना पड़ेगा जिसके वजह से तुम्हारा वेंट ऑफ फैक्टर आई चेंज हो जाता है, समझा, समझा है क्या। आई का वैल्यू प्रॉपर किसके लिए रहेगा, स्ट्रॉन्ग के लिए ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन आई का वैल्यू वो चेंज किसके लिए हो जाता है, वीक, और वो चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, अल्फा की वजह से वो चेंज हो जाएगा, राइट। समझा अभी तक क्या बताया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए, अरे बेसिक पॉइंट समझो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए होता है बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोसिएट हो जाता है, बराबर ना, समझ गया ना क्या है। चलो लास्ट करते हैं, डेरिवेशन है सिंपल सा, बहुत ईजी भी है। पढ़ो पॉइंट क्या है, पढ़ो, रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री, रिलेशन निकालते हैं ना, क्योंकि इधर पढ़ा ना हमने कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है इसके वजह से तुम्हारा जो वेंट ऑफ फैक्टर आए वो क्या हो जाएगा, चेंज ना, कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है, बराबर, राइट। क्या लगता है कम होएगा कि बढ़ेगा, क्या क्या होएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट होएगा क्या, तो ज्यादा पार्टिकल बनेगा क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से तो कमी रहेगा ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कमी रहेगा ना यहाँ पे। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है AXBY, जैसे कि NaCl होता है, जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, Na1Cl1 ऐसे समझो ना, हम लोग 1-1 नहीं बोलते क्योंकि 1 बोला ही नहीं जाता है, हम लोग NaCl बोलते हैं, लेकिन जरूरी है कि 1-1 हो, अलग मॉलिक्यूल के कुछ भी हो सकता है, बराबर। तो मेरे पास AXBY का एक इलेक्ट्रोलाइट है, देखो AXBY का इलेक्ट्रोलाइट है, बराबर है, मालूम है ना, वाटर में अगर सॉल्ट डाला तो मिक्स होता है ना सॉल्ट, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, उसको
रख दिया, समझो एयर में रख दिया, समझो धूप में रख दिया, वो लाइट में रख दिया, तो फिर से वो तुमको सॉल्ट मिलता है क्या? हाँ। मिलता है ना। इसके लिए कौन सा रिएक्शन? रिवर्सिबल, समझा? उल्टा भी होता है ना। इससे अगर आयंस बन सकता है तो आयन से फिर से तुम्हारा सॉल्ट नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है। इसके लिए कौन सा रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, तो Na+ का आयन बना था, Na+ का आयन, जरा ध्यान दो। अब ये कितना प्लस बनेगा वो डिपेंड करता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे ना, मालूम है ना। Na+1 को ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता तो प्लस वन का आयन बनाएगा, Cl-1 को ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता तो Cl-1 का। एक बात बताओ, Na जो प्लस वन है, Na+1 वाला आयन ये कितनी बार बनेगा? जितनी बार Na+1 है ना, Na रहेगा ना मॉलिक्यूल में, कितनी बार बताओ? वन टाइम। तो ऐसा बनेगा ना, समझा क्या? अरे ये मैं नंबर वन बोले, सर वन क्यों लिख रहे हैं? अरे इसमें वन है, अलग मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा ना, ना ये बताओ जरा Cl कितना बनेगा? वन टाइम्स Cl- ना, -1 का आयन, समझा? तो ऐसा ही देखो, मेरे को आयन मिल रहा है। एक बात जरा ध्यान दो, ये नीचे वाला नंबर ही पीछे आया ना, दिख रहा है क्या? समझा क्या? समझा? तो मेरे पास नीचे x था ना यहाँ पे, तो x टाइम्स a का आयन आएगा, बराबर। यहाँ पे नीचे क्या था? y, तो y टाइम्स b का आयन आएगा, नेगेटिव आयन। अब वो नेगेटिव आयन में मैंने यहाँ पे y प्लस और z माइनस लिया, तुम्हारी मर्जी कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करेगा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे। समझा ना कैसा है? तो समझा बताओ पॉइंट क्या है, रिएक्शन क्या है, पहले वो समझो, बाकी तो आगे समझ जाएगा तुमको। समझा मैंने क्या है, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स से आगे। समझा क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? कंसिडर एन इलेक्ट्रोलाइट, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट क्या है बताओ, मॉलिक्यूल क्या है? AXBY, बराबर। और उसको हम लोग डिसोसिएट कर रहे हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन, एक मतलब वाटर में मिक्स कर दिया। तो AXBY यूज किया, रिवर्सिबली गिव्स क्या देता है? X टाइम्स AY प्लस ना, प्लस Y टाइम्स B Z माइनस। हाँ, वो ये Y प्लस Z माइनस प्लस लिखना, लेकिन वो अल्फाबेट कुछ भी चेंज करेंगे चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा क्या है? हाँ, अब जरा कंडीशन सुनो। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, जब रिएक्शन है, वाटर है, सॉल्ट लिया, डाल दिया, बराबर है। जिस ना इनिशियली मतलब सॉल्ट डाला बस, और वो टाइम की बात कर रहा मैं, अभी तक मैंने स्टिरविर कुछ नहीं किया उसको, खाली सॉल्ट उठा के डाल दिया बस, समझा? वो टाइम पे क्या Na+ और Cl- का आयन बना रहेगा? नहीं ना, अभी तो डाला, अरे अभी डाला ना, स्टिर करो, पूरा डिसॉल्व होने दो, बनेगा ना, तब बनेगा ना। तो स्टार्टिंग में NaCl रहेगा ना, NaCl रहेगा ना। मैं बोलता हूँ कि मैंने 1 मोल यूज़ किया, तो 1 ही मोल रहेगा क्या? Na+ और Cl- का आयन बना रहेगा तभी? नहीं, तो 0 मोल रहेगा स्टार्टिंग में। समझ में आ रहा है? अरे समझो, केमिस्ट्री समझना पड़ेगा। समझा क्या हो रहा है इनिशियली कंडीशन में? आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, थोड़ी देर बाद स्टिर वगैरह करने के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये जो 1 मोल है, 1 बोला, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, इसका मतलब मालूम है क्या है? क्या पूरी तरह से तुम्हारा कंपाउंड डिसॉल्व हो गया है? मेरा एग्जांपल मत समझो अभी, क्योंकि NaCl तो डिसॉल्व हो जाता है। अरे ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर रहे हैं हम लोग काम? वीक। अरे अल्फा किसके लिए आता है? मतलब वो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता है पूरी तरह से। ऐसा मत सोचो कि AXBY पूरा खत्म हो जाएगा। वन मोल यूज किया था स्टार्टिंग में, तो क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में खत्म हो जाएगा 1 मोल? नहीं, ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक। ये खत्म हो ही नहीं सकता है पूरी तरह से, डिसोसिएट हो ही नहीं, होएगा ही नहीं पूरी तरह से, डिसोसिएट नहीं हो रहा, तभी तो उसको नाम दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, नहीं तो क्या नाम देते थे? स्ट्रॉन्ग देते थे नाम, समझा? तो 1 मोल यूज किया, इसका मतलब फाइनल कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में 1 खत्म नहीं होगा, ये 1 0 नहीं हो सकता है, समझा? लेकिन 1 में से कुछ तो डिसोसिएट होएगा ना, अरे कुछ तो, तभी तो नाम दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कुछ तो डिसोसिएट होता है। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ 1 मोल में से अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो गया, अल्फा मोल 1 मोल था, 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हो गया? अल्फा मोल। जैसे 20 मोल में से 10 मोल डिसोसिएट हो गया, बचा कितना? 10 मोल। वो 10 मोल कैसे निकाला? 20-10, सेम वही मैं बोल रहा हूँ कि 1 मोल था, 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना? 1-अल्फा। अरे 1 था, अल्फा डिसोसिएट हो गया, बचा कितना? 1 में से अल्फा को माइनस करो तो 1-अल्फा मोल बचा है, समझा? कितना मोल का आयंस बना रहेगा वो डिपेंड करता है कि कितना मोल तुम्हारा डिसोसिएट हुआ है, बराबर है? 1 मोल डिसोसिएट हुआ क्या? नहीं, अल्फा मोल डिसोसिएट ना। तो ये जो तुम्हारा XAY+ का आयन है ना, ये कितनी बार बनेगा बताओ? अल्फा टाइम्स ना। अरे यही चीज को मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई किया, देखो ना बीच में अल्फा आया है, समझा? अल्फा मोल बनेगा वो, नहीं समझा? समझा रहेगा ना कि बताओ, करके बताओ। देखो मेरे बोलने का मतलब ये है कि 1 मोल हमारे पास इनिशियली, ये तो समझा रहेगा तुमको, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, बराबर। इसमें से मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन में से 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो बचा 1-अल्फा मोल, बराबर ना।
कितना मोल आयंस बनता है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो रिएक्टेंट या फिर जो भी सॉल्ट तुमने यूज किया, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो कितना डिसोसिएट हुआ है, बराबर, वो कितना डिसोसिएट, बताओ हमने कितना अज्यूम किया, अल्फा। तो जो तुम्हारा ये आयन बनेगा ना वो मिलेगा अल्फा टाइम्स, हाँ मतलब मैं पहले अल्फा लिखूं या तो बीच में अल्फा लिखूं, तुम्हारी मर्जी है, अल्फा एक्स ए वाई प्लस का आयन मिलेगा, राइट, इतना टाइम मिलेगा ना ऐसा। और अगर मोल तुमको लिखना, अच्छा ये जो पार्ट है ये तो आयन है ना, ये तो आयन है, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने तो मोल लिखा है ना, सिर्फ नंबर बताओ, नंबर बराबर, नंबर बताओ, अल्फाबेट में बताओ, इधर नंबर कौन था, वन ना, वन, और ये वन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सी एल माइनस एन ए प्लस एन, मेरे को मतलब नहीं है। तो जो मुझे यहाँ पे मिला, राइट, जो पॉजिटिव वाला आयन मिला वो एक्स टाइम्स था, कितना मोल डिसोसिएट हो बताओ, अल्फा, तो अल्फा इंटू एक्स लिखो या तो एक्स इंटू अल्फा, एक ही बात है, बताओ वाई टाइम्स था ना ये, तो मैंने बताया दोनों इक्वली डिसोसिएट होता है ना, अरे एक एन ए निकला तो एक ही सी एल निकलेगा ना वहां से, हाँ, तो ये पहले y था तो ये भी कितना आएगा, अल्फा, अरे बोलने का सिंपल मतलब है अल्फा यहाँ से कम करेंगे और अल्फा वहाँ बढ़ाएंगे, सिंपल है, चलो इतना समझा क्या है, हाँ मोल तो रहेगा, यूनिट समझ लो अभी, इसका यूनिट जो रहेगा वो मोल रहेगा, ये अल्फा y मोल, समझा ऐसा। तो हुआ क्या, पहले वो सुनो, हुआ क्या, तुमको ऑलरेडी समझ में गया है कितना मोल मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया, बताओ वन मोल, स्टार्टिंग में वन मोल यूज़ किया। अगर मैं बोलता हूँ कि अल्फा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब अल्फा डिसोसिएट हो गया है, अगर मैं बोलता हूँ कि अल्फा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट बचा, वन माइनस अल्फा, कितना आयंस बना, कितना मोल्स का आयंस बना, एक्स अल्फा मोल और वाई अल्फा मोल, यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, तुमको अगर मैंने जो बोला वो समझाए तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, पढ़ो, वी हैव डिसॉल्व जस्ट वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक ही मोल इलेक्ट्रोलाइट मैंने यूज किया था, देखो मैंने इलेक्ट्रोलाइट एक ही मोल यूज किया था, आगे पढ़ो, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का होता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का होता है, बराबर, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, वीक करेगा, ओके, देन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे सिर्फ वन माइनस अल्फा मोल इलेक्ट्रोलाइट का बचा है ना, और एक्स अल्फा मोल किसका बचा है, पॉजिटिव वाला ना, उसको केटायन बोलते हैं, और वाई अल्फा मोल किसका बचा है, नेगेटिव, जिसको एनायन बोलते हैं, तो एक्स अल्फा मोल एंड वाई अल्फा मोल ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर फॉर्म, बराबर। अब जरा इधर आओ, वेंट, देखो मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा में एक रिलेशन निकाल रहे हैं, वही हमारा क्वेश्चन है ना, रिलेशन सुनो, आए ये मैं यही वाला फॉर्मला आगे यूज करने वाला हूँ, एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल इन द सोल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएट होने के बाद कितना मोल्स तुम्हारे पास सोल्यूशन में है, पॉइंट जरा ध्यान से पढ़ो, जो न्यूमरेटर में लिखा है, पढ़ो क्या है, एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल इन द सोल्यूशन आफ्टर डिस, एक्चुअल मोल्स मतलब तुमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, बराबर, कब निकालना है, डिसोसिएशन होने के बाद, मतलब इनिशियल निकालू कि इक्विलिब्रियम पे निकालू, इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे, तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ना, देखो यह दिखा ना, एक्चुअल मोल मतलब टोटल मोल ऑफ पार्टिकल इन द सोल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, देखो डिसोसिएट होने के बाद बताओ कितना मोल तुम्हारे पास बचा है, एक तो वन माइनस अल्फा मोल बचा है, बचा है जो बचा है वो, हाँ दूसरा क्या बचा है, अल्फा एक्स या फिर एक्स अल्फा मोल, एक ही बात है, तीसरा अल्फा वाई या फिर वाई अल्फा मोल, एक ही मतलब है ना, समझा, तीनों के पास अल्फा है, दिखाई दे रहा है तुमको, मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, करके बताओ कि समझ में आएगा, ऐसे ही समझ में आ जाएगा, सिंपल मैथ से, तीनों में अल्फा है, मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, बताओ अंदर बचे क्या, पहले पॉजिटिव लिखेंगे, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव, और ये जो अल्फा जाएगा तो माइनस वन बचेगा ना, तो माइनस वन लिख दिया, देखो यहाँ पे, बराबर, x और y क्या है पहले वो जरा ध्यान दो, x और y क्या था, x सर दिख रहा है, ये x और ये y है, ये x दिख रहा है, x और y मेरा टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, एक्चुअली मैंने उसको नाम दिया, पढ़ो जरा क्या है, मोल्स ऑफ आयन ऑब्टेंड आफ्टर डिसोसिएशन ना, डिसोसिएट होने के बाद कितना मोल्स ऑफ आयन हमको मिला है, x मोल और y मोल दोनों को प्लस कर दिया तो ये टोटल मोल हो गया ना, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, लेट x प्लस वाई को मैं एक नंबर ले लेता हूँ n, और वो n क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स किसका है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है किसका रहेगा, आयंस का, डिसोसिएशन होने के बाद, सिंपल मतलब है x प्लस वाई को मैं n एज्यूम कर रहा हूँ, बराबर, तो बताओ फॉर्मूला क्या होएगा, वन एज इट इज प्लस एज इट इज, x प्लस वाई के जगह पे n माइनस वन एज इट इज, अल्फा भी एज इट इज, समझा, तो मतलब मालूम मैंने क्या निकाला, मैंने न्यूमरेटर का आंसर निकाल लिया, समझा, एक्चुअल मोल्स ऑफ आयन या फिर एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल तो आयन ही है ना अभी, बराबर, इन अ सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन निकाल लिया ना वहाँ पे, कितना आंसर मिला बताओ तुमको, वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स अल्फा, बराबर,
ये न्यूमरेटर का आंसर है। चलो अब आओ यही तुम्हारा जो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो, देख रहे हैं यहाँ पे वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। न्यूमरेटर का आंसर तुम्हारे पास है 1 + n - 1 × α, बराबर। डिनोमिनेटर पढ़ो जरा क्या लिखा है, मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिजॉल्व इन सोल्यूशन, मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिजॉल्व, कितना मोल का सोल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे थे, 1, तो इसके पे 1 आएगा, 1 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, हाँ तो 2 रहता, तो 2 आता था वहाँ पे, फिर 2 रहता तो ये भी डबल डबल डिजॉल्व होता था ना, फिर डबल डबल आता तो ये आंसर तो वही आता था ना, फिर भी कैंसिल हो ही जाता था। किधर थे हम लोग, हाँ इसका वैल्यू 1 लिया, 1 को आई से मल्टीप्लाई किया, आई मिलेगा, आई का आंसर ये मिलेगा ना, इधर लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने, बरा क्यों ना, क्योंकि मुझे अल्फा निकालना था, मैंने 1 इधर मल्टीप्लाई किया, सो घुमा के लिख दिया, आई यहाँ लिख दिया है 1 + n - 1 × α, बराबर है। पीछे से अल्फा मल्टीप्लाई कर दो, एक मिनट, अल्फा चाहिए ना, तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा को रखो, ये 1 को उधर भेजो, आई पहले से वहाँ पे, ये प्लस 1 वहाँ गया, तो तुमको अल्फा चाहिए तो ये वाले पार्ट को नीचे भेज दो, तो i - 1 / n - 1, तो देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आया और वेंट ऑफ फैक्टर आई भी आया, मिल गया ना रिलेशन के बीच में, समझे, फॉर्मूला याद होगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमको कल सॉल्व करना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आंसर क्या रहेगा, i - 1 / n, आई है वेंट ऑफ फैक्टर, n मालूम है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ in आफ्टर डिसोसिएशन, वो टोटल मोल रहेगा, वो भी x + y का वैल्यू है वो, समझा, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर आई, सिंपल था ना, बड़ा इजी है। चलो एक बार रिकैप मारो जरा, देखते क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोलाइट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन वैसा नहीं जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिखाता है, ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रहता है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ, पढ़ा ना, रीजन तुमको मालूम है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट ये देखा कि जब हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो फॉर्मूला मास होता है दोनों अलग अलग रहता है, एक्चुअल में तुम्हारा जो मोलर मास रहेगा वो कम मिलता है ना, अरे पॉइंट याद है ना तुमको, लोअर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉर्मूला मास। फिर पढ़ा कि ऐसा होता क्यों है, अगर दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो ऐसा होता क्यों है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कम, रीजन एक ही था, मालूम है रीजन क्या था, जो वो डिसोसिएट हो जाता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, समझो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है इसलिए ऐसा होता है, ये वही लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे, बराबर। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइन याद है तुमको, वेंट ऑफ फैक्टर का ना, इट इज द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और इतना बड़ा फॉर्मूला ये ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ चीज है, बराबर। सबस्क्रिप्ट जहाँ पे नहीं है वो इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर्मूला 3-4 है, इसमें से एक फॉर्मूला तो यूज किया ना, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस और पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन जो मोल यूज किया था ना स्टार्टिंग में ना, हाँ वो ये तो इजी है, फॉर्मूला मास ऐसा मोलर मास के लिए भी है, थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, आई का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 2 और 3 भी हो सकता है, इसीलिए जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का वो ट्वाइस और थ्राइस हो सकता है ना, एज मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ट्वाइस डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। फिर पढ़ा कि अगर हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट का हमको फॉर्मूलास पता है तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं, सिंपल है, क्या करो आई से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर, आई को क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर, ओके। फिर देखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अभी तक जो भी इतना पढ़ा हमने वो इलेक्ट्रोलाइट पे बेस्ड था, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग, वीक को पढ़ा ही नहीं, वीक ही पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत इजीली डिसोसिएट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हो पाता ना पूरी तरह से, इसके लिए क्या यूज किया हमने वहां पे फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पे ले लिया, समझे क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है ये वेंट ऑफ फैक्टर को चेंज करता है कि नहीं करता है, करता है ना, वही तो लास्ट पॉइंट था, और कैसे करता है बताया ना यहाँ पे, याद है कौन सा मॉलिक्यूल यूज किया बताओ तुमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का, AXBY, क्या मिला, XAY + YBZ-, बराबर। फिर हमने देखा इनिशियली तुम्हारे पास कितना मोल था, 1 0 0 ना, 1 mol 0 mol 0 mol, फिर इक्विलिब्रियम पे 1 - α mol, एक्स अल्फा मोल, वाई अल्फा मोल, बराबर। फिर देखा कि ये सब ये तो थियरी था, 1 mol स्टार्टिंग में यूज किया, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एक्स अल्फा, वाई अल्फा, कैटायन और एनायन का क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, हाँ। फिर देखा कि टोटल मोल्स कितना होता है डिसोसिएट होने के बाद, तो तीनों को प्लस कर दिया, 1 - α + x alpha + y alpha, तो 1 + हमको क्या मिला, x + y - 1 × α, x + y को n अज्यूम कर लिए ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, n ले, फॉर्मूला क्या बन गया, 1 + n - 1 × α, ये वो मोल है जो डिसोसिएट होने के बाद है, डिसोसिएट होने से पहले इनिशियली कितना मोल था, 1, तो फॉर्मूला वहां से निकाल दिया, अल्फा का आंसर क्या मिला हमको, i - 1 / n - 1, i वेंट ऑफ फैक्टर, अल्फा
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन, सिंपल था, समझा ना सबको।